करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, अभी बताता हूँ तुम सबको। ये हनुमान फिर से हाथियों और दूसरे जानवरों के साथ खेलने लग गया है, जिससे उनमें भगदड़ मच गई है। ये तो रोज का हो गया है। हनुमान इतना शक्तिशाली है लेकिन उसे अपनी शक्ति का एहसास ही नहीं होता और वो अपने नटखटपन में ये सब कर देता है। बजरंगबली, बजरंगबली, बचा लो मुझे। दुष्ट राक्षस, चले जाऊं यहां से।
अब पता चला राक्षस नुमा हाथियों, मैं तो तुमसे दोस्त बनकर खेलता हूँ और तुम ऋषियों की आश्रम तबाह करते हो, क्यों है ना? क्या हाँ हाँ, डरपोक कई का मैं हूँ ना। हाँ हाँ, जब हनुमान मित्र है तो डर कैसा। जय हो बजरंगबली। अरे ऋषिवर आ रहे हैं। हनुमान, ये आप क्या कर रहे हो? देखा, अभी सारा आश्रम तहस नहस हो जाता। नहीं हुआ ना ऋषिवर, मैं हूँ ना। मेरे होते हुए आपका आश्रम एकदम सुरक्षित है। हनुमान, आप बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन लेकिन क्या ऋषिवर, मैं तो आपका भला करने के लिए ही आया हूँ। अब हम यही रहकर आश्रम की सुरक्षा करेंगे, क्यों है ना? हाँ हाँ, एकदम सही है और मीठा भी है। ऋषिवर, क्रोधित ना हो, ये सब हनुमान हमारी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हनुमान, आप अपनी शक्ति से परिचित नहीं हैं। बालपन की वजह से कई बार आप अधिक शक्ति का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। बचपन में बालपन के खेल नहीं खेलेंगे तो क्या आप जितने बड़े होकर खेलेंगे? चुप, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते। ठीक है ऋषिवर, आप अपनी कुटिया में जाइए, मैं ध्यान रखूंगा। मैं आपको कैसे समझाऊं ऋषिवर, ये हाथियों के भेस में राक्षस हैं जो आपके आश्रम को तबाह करना चाहते हैं। हनुमान, सुना है इस ऋषि को कभी गुस्सा नहीं आता, ये सच है क्या? बिल्कुल, फिर भी अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ सुबह सुबह आना पड़ेगा।